Hello students, welcome to my channel. If you learn something from this video, then subscribe my channel, like it and share it. For your queries, drop your message in comment box. In this video lecture, we are going to study about aromaticity. ये वर्ड तुम लोगों ने सुना होगा और इसके क्वेश्चंस भी देखे होंगे. जनरली 11th, 12th में ये एरोमेटिसिटी ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है और हमेशा केमिस्ट्री के किसी भी एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन रहता है. इजी क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड 1 मिनट या हाफ मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. बट फिर भी बहुत बार कुछ स्मॉल टर्म्स है या स्मॉल कंसेप्ट है, उसकी वजह से यहाँ रॉन्ग होने के चांसेस रहते हैं. नेट में ये जनरली बी पार्ट में 2 मार्क के लिए पूछा जाता है और गेट एग्जाम में भी पूछा जाता है. कभी कभी डायरेक्ट एरोमेटिसिटी नहीं पूछा जाता है, स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन रहता है या रेजोनेंस एनर्जी पे रहता है या पोटेंशियल एनर्जी पे रहता है. वेदर इट इज़ मोर पोटेंशियल, विच कंपोनेंट हैविंग मोर पोटेंशियल एनर्जी और विच कंपाउंड हैविंग मोर रेजोनेंस एनर्जी, या तुम लोगों को सीक्वेंस लगाना रहता है रेजोनेंस एनर्जी का या पोटेंशियल एनर्जी का, स्टेबिलिटी का. इट इज़ ऑल रिलेटेड टू योर एरोमेटिसिटी. ओके, सो विल स्टार्ट विथ एरोमेटिसिटी. पहले हम लोग बेसिक एरोमेटिसिटी क्या है, व्हाट इज़ एरोमेटिक, व्हाट इज़ एंटी एरोमेटिक, व्हाट इज़ होमो एरोमेटिक, व्हाट इज़ नॉन एरोमेटिक, व्हाट इज़ क्वासी एरोमेटिक, ये कंसेप्ट देखेंगे. फिर जो डिफरेंट एग्जाम्पल्स है, थोड़े हटके एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो 20 एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे. ओके, एंड दैट इज़ इनफ फॉर योर एरोमेटिसिटी चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट एरोमेटिसिटी. सो एरोमेटिसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजोनेंस एनर्जी. ओके, मतलब जिसकी एरोमेटिसिटी ज़्यादा है ऑटोमेटिक उसकी रेजोनेंस एनर्जी भी ज़्यादा होगी. अल्सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी. एक कंपाउंड अगर ज़्यादा उसकी एरोमेटिसिटी ज़्यादा है या रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है, दैट मीन्स उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी. एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल एनर्जी. अभी अगर ये तीनों टर्म्स ज़्यादा है, किसी की एरोमेटिसिटी ज़्यादा होगी, 2 कंपाउंड्स है, एक ए है एक बी है, हमने बोला है कि उसकी ए की एरोमेटिसिटी ज़्यादा है, ऐसा अगर हमने बोला है, दैट मीन्स ए की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी. सो पोटेंशियल एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. रिमेनिंग एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, स्टेबिलिटी, दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर एरोमेटिसिटी ज़्यादा है तो रेजोनेंस एनर्जी भी ज़्यादा होगी, उसी मोलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी. बट अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है, मतलब उल्टा रहता है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा होता है. एक अगर ज़्यादा है तो उसका जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है वो कम रहता है. ओके, सो दैट इज़ अबाउट एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस एनर्जी, स्टेबिलिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी. इसीलिए अगर तुम लोगों को एरोमेटिसिटी का सीक्वेंस लगाना आ गया, दैट मीन्स तुम लोग रेजोनेंस एनर्जी, स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी का भी सीक्वेंस लगा सकते हो. ओके, अब ये एरोमेटिसिटी में क्या क्या टर्म्स है वो हम लोग देखेंगे. सो फर्स्ट इज़ एरोमेटिक. सो एरोमेटिक की कंडीशन क्या है, साइक्लिक होना चाहिए मोलिक्यूल. दैट फर्स्ट मोलिक्यूल शुड बी साइक्लिक इन नेचर. साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनार, प्लेनार मतलब एक ही प्लेन में होना चाहिए. जैसे तुम लोग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन बोलते हो, उसको ऐसे लिखते हो ना तुम लोग. ओके, सो इट इज़ नॉट प्लेनार, वो एक ही प्लेन में नहीं रहता है. वैसे नहीं, तुम लोगों का ये जो मॉलिक्यूल है वो एक ही प्लेन में होना चाहिए. तो एक ही प्लेन में होना चाहिए, दैट मीन्स sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन. नेक्स्ट, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए. कॉन्जुगेटेड होना चाहिए मतलब उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मोबिलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. नेक्स्ट इज हकेल रूल, दैट इज 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. तुम लोगों के जो पाई बॉन्ड्स है 1, 2, 3. ओके, सो हर एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 2. तो 3 × 2 = 6. सो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है दैट मीन्स 4n. n इज़ 1, 2, 3, 4 क्या भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है. सो इफ़ इट इज़ 1, 4 × 1 = 4 + 2. सो इट इज़ 6. सो ये रूल फॉलो कर रहा है. ओके, मतलब 6 के बाद क्या आएगा 10, 10 के बाद क्या आएगा 14. सो ये जो नंबर है वो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं. ओके, सो अगर ये सब कंडीशंस है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपोनेंट. फॉर एग्जांपल बेंजीन हम लोग देखते हैं, ये साइक्लिक है दिख रहा है, प्लेनार है, हाँ प्लेनार है क्योंकि सभी उसके जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. यहाँ देखो, नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड है. कॉन्जुगेटेड है मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हो सकते हैं. हाँ, हम लोग ऐसा भी लिखते हैं ना बेंजीन. ओके, मतलब उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव हो रहे हैं. सो दैट मीन्स इट इज़ एरोमेटिक. अब यहाँ देखो, यहाँ तुम लोगों का साइक्लिक है प्लेनार है कॉन्जुगेटेड है कि नहीं। ओके, अब कॉन्जुगेटेड है कि नहीं, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर्स होते हैं, तो ये जो दो लोन पेयर, एक उसमें से एक लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट करती है कॉन्जुगेशन में, मतलब तुम लोग ये ऐसा लिख सकते हो। ओके, तो ये इसीलिए कॉन्जुगेटेड भी हुआ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर। नेक्स्ट इज हकेल रूल फॉलो कर रहा है क्या, 4n + 2π इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स गिनो, यहाँ दो है, यहाँ दो है और यहाँ दो है, सो 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज नथिंग बट योर एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये रूल्स फॉलो होने चाहिए। नेक्स्ट, वेरी इजी, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक इज लुक्स लाइक सेम एज योर एरोमेटिक, जैसे एरोमेटिक दिखता है वैसा ही एरोमेटिक। तुम लोग यह देखो, देख के ऐसा लगेगा तुम लोगों को ये एरोमेटिक ही होना चाहिए। साइक्लिक है, प्लेनार है, कॉन्जुगेटेड है, हाँ दिख रहा है ना, साइक्लिक दिख रहा है, प्लेनार दिख रहा है, एक ही प्लेन में है, सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कॉन्जुगेटेड भी है, ये यहाँ शिफ्ट किया, ये यहाँ शिफ्ट किया तो चलेगा। ओके, बट एंटी एरोमेटिक किसे बोलता है, वो हकेल रूल फॉलो नहीं करता है। हकेल रूल क्या है, 4n + 2π इलेक्ट्रॉन्स। इसके इलेक्ट्रॉन्स गिनो, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 हमें क्या चाहिए, 4n + 2, +2 हमें नहीं मिल रहा है। ओके, सो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हकेल रूल फॉलो नहीं करते और पूरे बाकी सब रूल फॉलो करते हैं, ये देखो साइक्लिक, प्लेनार, कॉन्जुगेटेड, सभी रूल फॉलो किए, सिर्फ ये रूल फॉलो नहीं होता है, दैट इज हकेल रूल। इन दैट केस दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड एज एंटी एरोमेटिक। ये बहुत इजी है और बहुत बार एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक ऐसे ही दिखते हैं जैसे एरोमेटिक दिखते हैं। ओके, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में रहते हैं, प्लेनर रहते हैं, तो थोड़ा हकेल रूल देखो, अगर हकेल रूल फॉलो नहीं होता है और 4n π इलेक्ट्रॉन वाला रूल फॉलो होता है, सो इट शुड बी एंटी एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स इट इज़ नथिंग बट योर एरोमेटिक कंपाउंड्स। तुम लोगों के जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वैसे ही दिखते हैं, वही सब रूल फॉलो होते हैं, बट उसमें एक एडिशन होता है, दैट इज़ नथिंग बट एरोमेटिक कंपाउंड्स प्लस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ओके, अब तक हमने क्या देखा, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए या sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए, कहीं तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, अगर नहीं है तो लोन पेयर तो भी प्रेजेंट होना चाहिए, बट यहाँ होमो एरोमेटिसिटी क्या बोल रही है, कंपाउंड एरोमेटिक के जो रूल्स हैं वो सभी रूल्स फॉलो होने चाहिए। ये देखो, सिर्फ इतने पोर्शन को देखो, दैट इज़ योर एरोमेटिक कंपाउंड। 10 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर 1 2 3 4 5 10π इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स तुम लोगों का 4n + 2π इलेक्ट्रॉन वाला रूल भी फॉलो हो रहा है, सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनार है, बट 1 कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। ये वाला कार्बन देखो प्लेन के बाहर है और सिंगल बॉन्ड है सभी जगह पे, दैट मीन्स इट इज sp3 हाइब्रिडाइज। ऐसे केस में उसको होमो एरोमेटिक कंपाउंड बोला जाता है। ओके, सो दैट इज नथिंग बट योर होमो एरोमेटिक कंपाउंड। क्या केस रहेगी, कंपाउंड तुम लोगों का एरोमेटिक दिखेगा, एरोमेटिक के रूल फॉलो करेगा, बट एक कार्बन होगा जो आउट ऑफ द प्लेन होगा और वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, दैट इज नथिंग बट होमो एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को लेके ज़्यादा रूल्स मत बनाओ, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे या कुछ बुक्स में पढ़े, इसके बहुत सारे रूल्स दिए हैं, बेटर तुम लोग ऐसे याद रखो जो ये तीनों नहीं होते हैं, एरोमेटिक भी नहीं रहता है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं रहता है, होमो एरोमेटिक भी नहीं रहता है, वो सब क्या रहते हैं, नॉन एरोमेटिक रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये साइक्लिक है ही नहीं तो इट इज़ नॉन एरोमेटिक। ओके, यहाँ देखो, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। एंटी एरोमेटिक होगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी एरोमेटिक होगा क्या वो ये 4n + 2π इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा, 4n + 2π इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। यहाँ देखो 4n + 2, n को 0 ले लो तो आंसर 2 मिलेगा। ओके, तो तुम लोगों का हकेल रूल फॉलो हो रहा है, बट यहाँ तुम लोगों का कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ देखो कॉन्जुगेटेड वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा है। ओके, एंटी एरोमेटिक होगा क्या, नहीं होगा, 4n वाला रूल नहीं फॉलो हो रहा है। ओके, होमो एरोमेटिक होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये एरोमेटिक होता और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता तो तुम लोग होमो एरोमेटिक बोल सकते हो, बट ये एरोमेटिक नहीं है तो ये क्या हुआ, नॉन एरोमेटिक हुआ। नेक्स्ट, यहाँ प्लेन ही नहीं है, यहाँ देखो ये जो कंपाउंड है ये एक प्लेन में नहीं है तो वो क्या हुआ, नॉन एरोमेटिक। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बचा है, दैट इज नथिंग बट क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक इट इज़ एक्चुअली एरोमेटिक, बट लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ क्वासी एरोमेटिक, या कंपाउंड्स के स्टेबिलिटी के वक्त क्वासी एरोमेटिक का क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखो, यहाँ तुम लोगों ने नॉन एरोमेटिक, ये अभी हमने डिस्कस किया, ये नॉन एरोमेटिक है, राइट, क्योंकि ये कोई रूल नहीं फॉलो कर रहा है. एरोमेटिक का रूल नहीं फॉलो कर रहा है, एंटी एरोमेटिक का रूल नहीं फॉलो कर रहा है, होमो एरोमेटिक का रूल नहीं फॉलो कर रहा है. सो इसे हमने क्या बोला, नॉन एरोमेटिक बोला. बट अगर यहाँ चार्ज होता पॉजिटिव, ओके, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता. अभी देखो 4n+2π इलेक्ट्रॉन, 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स का रूल फॉलो हो रहा है. दो इलेक्ट्रॉन्स है, n को जीरो लिया हमने, तो हमें क्या आंसर मिला यहाँ पे, 2 आंसर मिला, 2π इलेक्ट्रॉन. ओके, साइक्लिक है, प्लेनर है, 4n+2 हकेल रूल फॉलो कर रहा है. अब कॉन्जुगेशन में है क्या, पहले हमने बोला था जब नॉन एरोमेटिक यहाँ डिस्कस किया था, वो कॉन्जुगेशन में नहीं है क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेशन के लिए कुछ नहीं है. बट यहाँ अभी पॉजिटिव चार्ज है, वो कॉन्जुगेशन कर सकता है. पॉजिटिव चार्ज हम लोग यहाँ शिफ्ट करेंगे इस कार्बन पे, तो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा. यहाँ देखो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया. ओके, सो दैट मीन्स कॉन्जुगेशन भी है. दैट मीन्स नाउ दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक. किसके वजह से हुआ ये, चार्ज के वजह से. तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज और आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, नॉट नीड कि यहाँ पॉजिटिव आयन ही चाहिए. अगर कोई कंपाउंड है जहाँ हमने नेगेटिव आयन डाला, या हम लोग ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे, तो ऐसे एरोमेटिसिटी को क्वासी एरोमेटिसिटी बोला जाता है. ये कि डिफरेंट टाइप नहीं है, एरोमेटिसिटी का ही टाइप है. एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिसिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, देन द कंपाउंड इज कॉल्ड एज quasi aromatic compound. Okay, so we clear with what is aromatic, what is anti aromatic, what is homo aromatic, what is non aromatic and what is quasi aromatic. Okay, हमने क्या डिस्कस किया है, अगर एरोमेटिसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है, रेजोनेंस एनर्जी. हाई एरोमेटिसिटी, हाई रेजोनेंस एनर्जी, हाई स्टेबिलिटी एंड लो पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल इतना याद रखो, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, स्टेबिलिटी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे जो थोड़े डिफरेंट है, तो तुम लोगों के कंसेप्ट ये जो हमने अभी डिस्कस किया है वो भी क्लियर हो जाएगा, और थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी प्रिपरेशन हो जाएगा. ओके, विल सॉल्व सम एग्जाम्पल्स, दीज एग्जाम्पल्स. सो फर्स्ट एग्जाम्पल, ओके, साइक्लिक है साइक्लिक, प्लेनर है, प्लेनर है. ओके, कॉन्जुगेशन है, हाँ कॉन्जुगेशन है, क्योंकि यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइज है, बट उस पर क्या है, लोन पेयर है, तो वो कॉन्जुगेशन, ये इलेक्ट्रॉन्स है, आयन है, तो वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगी. डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है. अब क्या बचा तुम लोगों का, हकेल रूल. कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4n+2 वाला रूल फॉलो नहीं होगा. वो 4n+2 है ना, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ही है, +2 वाला नहीं है हमारे पास. सो 4n का रूल फॉलो होगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन. सो ये रूल क्या बताता है, एंटी एरोमेटिसिटी. ओके, सो इट इज एंटी एरोमेटिक. एरोमेटिक की सभी कैरेक्टरिस्टिक है, सिर्फ 4n+2 वाला रूल नहीं फॉलो कर रहा है. सो इट बिकम्स एंटी एरोमेटिक. नाउ दिस कंपोनेंट, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, हाँ कॉन्जुगेशन है, यहाँ भी तुम लोगों के इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो कॉन्जुगेशन डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे. अभी हकेल रूल, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, 2, 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो 4n+2 ये रूल फॉलो होगा. n इज नथिंग बट 1, 4 + 2, 6 इलेक्ट्रॉन. सो हकेल रूल भी फॉलो हुआ. सो दिस इज नथिंग बट योर एरोमेटिक कंपाउंड. नाउ इम्पॉर्टेंट, it is aromatic component, but this aromaticity is due to the presence of this charge, so it can be called as a, quasi aromatic, because this is aromatic component, right. okay, aromatic है, but अगर aromatic के साथ तुम लोगों को quasi aromatic का option दिया है, तो it is quasi aromatic. The aromaticity due to presence of charge is called as quasi aromaticity. okay, next this component 1, 2, 3, 4 cyclic है. ओके, कॉन्जुगेशन है 1, 2, 3, 4, 5, 10 इलेक्ट्रॉन्स. 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 4n+2 वाला रूल फॉलो हो रहा है. 4 × 2 + 2 = 10. ओके, बट यहाँ देखो, यहाँ का एक जो हाइड्रोजन है और यहाँ का एक हाइड्रोजन है, ये रिपल्शन करते हैं, और जब रिपल्शन करते हैं तो ये दो रिंग के प्लेन चेंज हो जाते हैं, मतलब ऐसे है तो ऐसे हो जाएंगे. तो अगर प्लेन चेंज होते हैं तो ये नॉन प्लेनार हो जाता है. तो सभी कंडीशन है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, हकेल रूल फॉलो कर रहा है, बट ये प्लेनार नहीं है. अगर वो प्लेनार नहीं है तो एंटी एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा, नॉन एरोमेटिक. ओके, सो हमने ये एंटी एरोमेटिक देखा, ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है ड्यू टू प्लेनैरिटी. नेक्स्ट सेम एग्जाम्पल यहाँ है, देखो सेम एग्जाम्पल, सिर्फ ये हाइड्रोजन हटा दिए है और ये हाइड्रोजन हटा के यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज, यहाँ सी ये क्या होगा CH2 होगा, मतलब दो हाइड्रोजन्स होंगे. ओके हमने ये देखा है. ओके जब पूरा कंपोनेंट तुम लोगों का एरोमेटिक होता है बट एक ही कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है और वह अबव द प्लेन होता है, देन इट इज कॉल्ड एज क्वासी एरोमेटिक. ओके यहाँ सॉरी क्वासी नहीं सॉरी सॉरी होमो एरोमेटिक. क्वासी इज नथिंग बट ड्यू टू चार्ज इज क्वासी एरोमेटिक और ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इट इज कॉल्ड एज होमो एरोमेटिक. यहाँ देखो साइक्लिक है, प्लेनर है, सिर्फ ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन छोड़ के. 4n+2 1 2 3 4 5 10 इलेक्ट्रॉन्स. 4n+2 वाला रूल फॉलो हो रहा है. द ओनली थिंग इज एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, बाकी सभी रूल फॉलो हो रहा है, वो आउट ऑफ द प्लेन है. इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज होमोएरोमेटिक. ओके सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ होमोएरोमेटिसिटी. नेक्स्ट एग्जांपल ये नैफ्टालिन है. यहाँ देखो क्या है, साइक्लिक है, प्लेनर है, 1 2 3 4 5 10 इलेक्ट्रॉन्स है. सो 4n+2 रूल फॉलो हो रहा है. ओके हकेल रूल फॉलो हो रहा है. सो दैट इज नथिंग, प्लेनर है, सो इट इज नथिंग बट एरोमेटिक. ओके अभी यहाँ देखो साइक्लिक कंपोनेंट है. नेक्स्ट एग्जांपल ओके प्लेनर है. ओके अभी यहाँ देखो दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स 4n+2. ओके जब n 0 आता है, इफ n इज 0 इट इज नथिंग बट 2. तो साइक्लिक है, प्लेनर है, हकेल रूल भी फॉलो कर रहा है. ओके और कॉन्जुगेशन है कि नहीं, यहाँ देखो कॉन्जुगेशन इसके साथ है. ये तुम लोगों का ये जो इसके साथ कॉन्जुगेशन है, ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ जाएगा. ओके दैट मीन्स कॉन्जुगेशन है. बट सभी रूल्स फॉलो हो रहा है, बट एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है. सभी रूल्स फॉलो हो रहे और एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है. यहाँ देखो सभी रूल्स फॉलो हो रहे बट एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है. सो इट इज़ कॉल्ड एज होमो एरोमेटिक. Okay, so that is all about homoaromaticity, quasiaromaticity, antiaromaticity, and aromatic compounds. Okay, we'll solve. So next example, this is azulene. Okay, cyclic है, planar है, all sp2 hybridized carbon atom. That means conjugated है, सभी conjugated है, connected है. Okay, उसके बाद 4n+2 rule देखते हैं. 1 2 3 4 5 10 इलेक्ट्रॉन्स है. सो दैट मीन्स 4n+2 जो हकेल रूल है फॉलो हो रहा है. n इज 2, 4 2 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस इज एरोमेटिक. नाउ नेक्स्ट ओके नेक्स्ट यहाँ देखो सो देयर इज चार्ज. प्लेनर है, साइक्लिक है. ओके कॉन्जुगेशन 1 2 3 ये कॉन्जुगेशन में आएगा जो नेगेटिव चार्ज है, तो कॉन्जुगेटेड है. ओके अब हकेल रूल देखते हैं. 1 2 3 4 सो 4 मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो हकेल रूल फॉलो नहीं हो रहा है, 4n रूल फॉलो हो रहा है. ओके मतलब पूरे कंडीशंस है एरोमेटिक के, बस हकेल रूल फॉलो नहीं हो रहा है, उसके बदले में 4n रूल फॉलो हो रहा है. 4 2 8 दैट मीन्स इट इज एंटी एरोमेटिक. नेक्स्ट ओके सो यहाँ पे साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है. अब 4n वाला रूल देखते हैं. 1 2 3 ओके 3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स. जब पॉजिटिव चार्ज रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं गिनते हैं, जब नेगेटिव चार्ज रहता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बट जब पॉजिटिव चार्ज रहता है उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है हमारे पास. सो 4n+2 रूल फॉलो हो रहा है. यहाँ देखो इफ़ n इज़ 1 4 + 2 इज इक्वल टू 6. सो हकेल रूल फॉलो हो रहा है. सो दैट मीन्स दिस सिस्टम इज एरोमेटिक सिस्टम. नाउ नेक्स्ट कभी कभी स्ट्रक्चर इस तरीके से दिया जाता है. ओके अगर उस तरीके से स्ट्रक्चर दिया है तो उसको इस तरीके से लिखो. यहाँ देखो ये स्ट्रक्चर ऐसा है, अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो फिर यहाँ पे इस तरीके से नेगेटिव चार्ज आता, बट हमारे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, हम पॉजिटिव चार्ज लेके सॉल्व करते हैं. ओके सो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, ओके कॉन्जुगेटेड है, ये देखो यहाँ यहाँ और उसके बाद कोई भी sp2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं है, सभी कॉन्जुगेटेड है। तो अभी फोरेन रूल देखते हैं, दो इलेक्ट्रॉन चार इलेक्ट्रॉन्स है, ओके हमारा रूल क्या है, हकेल रूल, 4n+2 फॉलो हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ जीरो भी पकड़ा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1 पकड़ा तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो 4n रूल फॉलो हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ एंटी एरोमेटिक, इट इज़ एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके दिस वन साइक्लिक है, प्लेनार है, कॉन्जुगेटेड है, क्योंकि यहाँ लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगी, ओके अब इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं, 1 2 3 4, 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 4n+2 वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा है, ओके कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, 4n वाला रूल फॉलो हो रहा है। तो अगर 4n वाला रूल फॉलो हो रहा है तो इट इज़ एंटी एरोमेटिक, दिस इज एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं, साइक्लिक है, प्लेनार है, दिख तो रहा है प्लेनार, बाद में डिस्कस करते हैं, प्लेनार दिख रहा है, साइक्लिक है, प्लेनार है, अभी कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन में है बट ये एक नहीं है, यहाँ देखो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन बट बाकी सब कॉन्जुगेशन में है, तो बाकी सब कॉन्जुगेशन में है और एक नहीं है, तो बचा हुआ जो मॉलिक्यूल है वो पूरा एरोमेटिक है क्या देखो। तो हम लोग किसकी बात करेंगे, होमो एरोमेटिसिटी की। तो यहाँ 1 2 3 3 बॉन्ड्स है, इसको इलेक्ट्रॉन की तरह नहीं गिनता है पॉजिटिव चार्ज को, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो 4n+2 वाला रूल फॉलो हो रहा है, 4n इज़ 1 तो यहाँ आंसर 6 आएगा, ओके सो दैट मीन्स एरोमेटिसिटी के सभी कंसेप्ट, यहाँ देखो ये यहाँ ये मॉलिक्यूल फॉलो कर रहा है यहाँ तक, और अगर पूरा मॉलिक्यूल एरोमेटिसिटी के कंसेप्ट फॉलो कर रहा है और एक ही sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन रहता है ये, तो वो आउट ऑफ द प्लेन रहता है एंड दैट मॉलिक्यूल इज नथिंग बट होमो एरोमेटिक, होमो aromatic, okay so that is all about homoaromatic, antiaromatic, aromatic, non-aromatic and quasi-aromatic। अब कुछ exceptional cases है, ये थोड़े different examples है वो हम लोग देखेंगे, okay so these are some specific concept in your aromaticity chapter। that first is Craig's rule, okay so what is Craig's rule, it is basically made for non-benzoid systems। तुम लोग जो रिंग साइक्लिक रिंग ड्रॉ करते हो, दिस इज़ योर बेंजीन 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 बेंजीन, बट जब बेंजीन नहीं होता है और 5 मेंबर्ड 7 मेंबर्ड 8 मेंबर ऐसे रिंग्स रहते हैं तो इट इज़ नॉन बेंजॉइड रिंग, ओके तो ये नॉन बेंजॉइड रिंग के लिए है। तो जब भी बेंजीन दिखता है क्रैक्स रूल फॉलो नहीं करना है, अगर बेंजीन नहीं है तभी क्रैक्स रूल फॉलो करना है। सो पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजॉइड सिस्टम के लिए जिसमें C2 एक्सिस है, यहाँ देखो यहाँ C2 एक्सिस है, यहाँ C2 एक्सिस है, ओके जिसमें C2 एक्सिस सिमेट्री, तुम्हें हम लोग जो सिमेट्री की बात करते हैं C2 सिमेट्री की बात करते हैं, वो अगर प्रेजेंट है तो क्रैक्स रूल फॉलो करना है उसकी। क्रैक्स रूल में जो तुम लोगों को कंपोनेंट्स, फुल्ली कॉन्जुगेटेड कंपोनेंट्स एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है वो क्रैक्स रूल बताता है, ओके सो व्हाट क्रैक्स रूल सेज, दिस रूल इज़ फॉलो फॉर पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजॉइड कंपाउंड्स विथ C2 एक्सिस symmetry axis, okay so when n is nothing but number of double bonds, when n-1 is odd, for example this is 1 2 3 4, so 4 - 1 = 3, when it is odd it is non-aromatic, so this is your non-aromatic system, okay and n-1 is even, that is aromatic system, 1 2 3 4 5, so 5 - 1 4, so that is even, so this is aromatic system। so जब तुम लोगों के पास पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजॉइड C2 एक्सिस वाले कंपोनेंट्स आते हैं, तुम लोग क्रैक्स रूल अप्लाई करके डायरेक्ट बता सकते हो वो नॉन एरोमेटिक है कि एरोमेटिक सिस्टम है, ओके नेक्स्ट एनिलेशन इफेक्ट, ओके दिस इज अबाउट बेंजीन, दिस इज अबाउट, ये जो रूल हमने अभी देखा इट इज़ नॉन बेंजॉइड सिस्टम, ये जो दो कंसेप्ट देखेंगे दैट इज़ अबाउट बेंजीन। सो एनिलेशन इफेक्ट, एनिलेशन इफेक्ट क्या होता है तुम लोगों को पता होना चाहिए, व्हाट इज एनिलिन्स, जिसमें बेंजीन किसी के साथ फ्यूज्ड होता है, ओके सो यहाँ बेंजीन है किसी के साथ फ्यूज्ड है, यहाँ दो बेंजीन्स है इस रिंग के साथ फ्यूज्ड है, तो बेंजीन के साथ जब कोई भी एरोमेटिक रिंग के साथ कोई दूसरी रिंग फ्यूज्ड होती है तो ये रिंग अपनी एरोमेटिसिटी पार्शियली उसे डोनेट करती है। यहाँ देखो ये एक बेंजीन है, ये एक बेंजीन है, एक्चुअली इस रिंग के ऊपर कोई खुद का चार्ज ही नहीं है, बेंजीन का यहाँ डबल बॉन्ड है, इस बेंजीन का यहाँ डबल बॉन्ड है, ओके सो ये पार्शियली अपनी एरोमेटिसिटी दूसरे को डोनेट करता है, फ्यूज्ड रिंग को डोनेट करता है. इट इज़ कॉल्ड एज एनिलेशन इफेक्ट. दीज आर नथिंग बट एनिलीन्स. ओके, सो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज एनिलेशन इफेक्ट. नेक्स्ट, फ्यूज्ड बेंजीन रिंग. ओके, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है. इट लुक्स लाइक कि बेंजीन जैसे जैसे बड़ा हो जाता है उसकी रेजोनेंस एनर्जी बढ़ जाती है, बट दैट रेजोनेंस एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द स्ट्रक्चर. ओके, अब इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन आएगा? हम लोगों को ऐसे लगेगा ये आएगा क्योंकि इसके रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है. हमने क्या देखा है? एरोमेटिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी, बट ऐसा नहीं है. वो थ्रू आउट मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूट होती है. जैसे यहाँ देखो, फ्यूज्ड बेंजीन रिंग, इसकी रेजोनेंस एनर्जी 36 है, इसकी कितनी है? 59 है, तो 59 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, सो दैट इज़ 29.5. ओके, 73 डिवाइडेड बाई 3 आएगा, ओके, सो दैट इज़ 23.63. ओके, अब देखो किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है? ये सबसे ज़्यादा है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है. मतलब जैसे जैसे रिंग बढ़ती जाती है बेंजीन रिंग, दैट मीन्स इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है, सो दिस इज़ मोर स्टेबल. इसके बाद ये आएगा और इसके बाद ये लीस्ट स्टेबल आएगा. सो दैट मीन्स व्हाट इज़ फ्यूज्ड बेंजीन रिंग कंसेप्ट? एज द नंबर ऑफ बेंजीन रिंग इंक्रीजेस, एरोमेटिसिटी डिक्रीजेस, रेजोनेंस एनर्जी डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, ओके, एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस. अगर तुम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो वो इंक्रीज होती है, बट रेजोनेंस एनर्जी, स्टेबिलिटी एंड एरोमेटिसिटी डिक्रीज होती है जैसे जैसे नंबर ऑफ बेंजीन रिंग इंक्रीज होते हैं. ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट एरोमेटिसिटी चैप्टर. हमने एजुलिन, एनिलीन, उसके बाद होमो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक, सभी टाइप के कंपाउंड्स देखे हैं. अगर तुम लोग किसी भी पेपर में एरोमेटिसिटी चैप्टर पढ़ते हो या आप सॉल्व करते हो तो इसके बाहर का जनरल कोई कंसेप्ट नहीं रहता है. इट इज़ इनफ फॉर योर एग्जाम्स. ओके, थैंक यू. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट. थैंक यू.